ओके, नाउ विल स्टार्ट सेगमेंट नंबर 4 ऑफ लेक्चर नंबर 1, विच इज़ द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस लेक्चर नंबर 1. आपको मैंने लेक्चर नंबर 3 में बताया था कि ऑडिट रिपोर्ट्स की चार टाइप्स होती हैं. द फर्स्ट टाइप इज़ कॉल्ड द अनक्वालिफाइड ओपिनियन. नाउ व्हाट इज़ एन अनक्वालिफाइड ओपिनियन? अनक्वालिफाइड ओपिनियन मीन्स अ रिपोर्ट विच इज़ क्लीन. बाई क्लीन आई मीन दैट द ऑडिटर्स हैव फाउंड नो इशूज व्हाटसोएवर इन दैट रिपोर्ट. An unqualified opinion is considered a clean report. This is the type of report that auditors give most often, which means that ज़्यादातर जो auditors auditing करते हैं तो most of the reports they find to be as per the law. And this is also the type of the report that most companies expect to receive. ज़्यादातर companies क्योंकि rules और regulations को follow करती हैं तो वो expect यही करती हैं कि in return they'll those companies will get the unqualified opinion. An unqualified opinion does not have any kind of adverse comments. Adverse means negative. So it does not have any adverse comment whatsoever connected to it. And it does not include any disclaimers about any clauses or the audit process. और इसमें कोई भी ऐसे नोट्स में ऐसी कोई नेगेटिव चीज़ या कोई डाउट नहीं होता जो ये शो करे कि रिपोर्ट जो है वो किसी भी एंगल किसी भी एस्पेक्ट से जो है एज़ पर द लॉ नहीं है. दिस टाइप ऑफ रिपोर्ट इंडिकेट्स दैट द ऑडिटर्स आर सेटिस्फाइड विद द कंपनीज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. The auditor believes that the company's operations are in good compliance with governance principles and applicable laws, which means that agar a company jo hai wo GAAP follow karti hai GAAP, and if the auditors have found that all the financial reports are as per GAAP, so they will issue the unqualified opinion, which is the cleanest opinion. अब इसकी एग्जांपल जो आपको मैंने नोट्स दिए हैं उसमें ऑलरेडी मौजूद है. ये HSBC बैंक जो है उसकी 2008 की ओपिनियन रिपोर्ट है जिसकी स्टेटमेंट ऐसे है. इन आर ओपिनियन HSBC बैंक विच इज़ द कंपनी इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड पेरेंट कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ द कंपनीज अफेयर्स ऑन 31 दिसंबर 2008, जिसका मतलब है कि 31 दिसंबर 2018 फाइनेंशियल पीरियड एंड हो गया था. तो ये जो ऑडिट रिपोर्ट है ये 31 दिसंबर 2018 तक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसको कंसिडर किया गया था. एंड ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश फ्लोज फॉर द ईयर दैट एंडेड हैव बीन ऑल द रिपोर्ट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस with the requirements of the Companies Act 2006, which is as per the law applicable in that country, and it complies with all the requirements of the Group Financial Statements, Article 4 of the IAS regulation. And all the reports have been properly prepared in accordance with the UK GAAP and IFRS as adopted by the European Union. तो अगर कोई ऐसी एक अनक्वालिफाइड ओपिनियन आप दे रहे हैं तो उसमें ऑडिटर इस टाइप का अपना ओपिनियन शो करता है विच इजीली एंड क्लियरली पोर्ट्रेज दैट द ऑडिटर्स हैव नॉट फाउंड एनी इररेगुलरिटीज और एनी एडवर्स इफेक्ट व्हाटसोएवर इन दैट ऑडिट. इससे रिलेटेड जो ISA है दैट इज़ कॉल्ड ISA 700. अब आप में से चंद एक ने ISA 700 अपने असाइनमेंट में किया था, जिनको मैं इन एडवांस बताऊंगा, वो MS Teams पे उससे रिलेटेड एक छोटी सी प्रेजेंटेशन देंगे. नाउ वी विल ब्रीफली डिस्कस व्हाट इज़ ISA 700. एज रिकॉर्ड बाय द स्टैंडर्ड विच इज़ ISA 700, ऑडिटर्स विल हैव टू इशू द ओपिनियन ऑन द क्लाइंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेदर दो स्टेटमेंट आफ्टर ऑडिटेड आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटीरियल respected and compliance with the framework that they have used or not. And if the financial statements meet all of these things, then unmodified opinion shall be issued. So this ISA 700 relates to unmodified opinion, which we will discuss on MS Teams. Now this is the end of segment number 4. Thank you very much.